बायोब्लास्ट में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हम लोग इकोसिस्टम पढ़ रहे हैं, क्लास 12 एनसीईआरटी। और ये जो पढ़ाई हो रही है ये नीट के अकॉर्डिंग हो रही है, जिसमें हम एक एक पॉइंट के ऊपर फोकस कर रहे हैं इन जनरल। और मैं वैसे ही करता हूँ और अभी भी वही कर रहा हूँ। मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ चीज़ों को, ठीक है? एक सेकंड, लैग करने में, लैग ना करो यार। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले, फर्स्ट, ओके। आफ्टर दैट आई रीड द एनसीईआरटी, ठीक है, लिंक बनाने के लिए आपके लिए, ठीक है। एनसीईआरटी रीड करता हूँ एक्सप्लेनेशन के बाद, सो दैट यहाँ पे लिंकेज बन पाए जो मैंने बताया, ठीक है, वो एनसीईआरटी में मेंशन है या नहीं है, समझ रहे हैं कि नहीं। और उसके साथ साथ क्या होता है कि अगर कुछ नए वर्ड्स मिल गए, सपोज हो सकता है कि एक्सप्लेन करते समय वो एग्जैक्ट वर्ड मैंने ना यूज किया हो, तो उसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं। तो पर्पज ये है, इसी पर्पज के साथ मैं ये एनसीईआरटी कवर कर रहा हूँ, ठीक है। और ये एक मेजर पोर्शन है 12th क्लास की एनसीईआरटी का, ठीक है। सो चलिए आज शुरू करते हैं। पिछली क्लास में एक्चुअली में हम एनर्जी फ्लो पढ़ रहे थे और उसका ये वाला पोर्शन हमने थोड़ा सा छोड़ दिया था। ये पोर्शन क्या मतलब, ये आगे वाले से लिंक भी है इसलिए छोड़ा था मैंने। और उसका पर्पज़ ये भी था कि वो ऑलरेडी 39 मिनट या 40 मिनट की वीडियो हो गई थी, सो अगर और भी उसमें करता तो और ज़्यादा डिले बड़ा हो जाता वीडियो, सो इसलिए मैंने स्टॉप किया। और इसका ऐसा नहीं था कि मैंने बताया नहीं ये चीज़, ठीक है। सो उसी कंटिन्यूएशन में इसको हम आगे पढ़ते हैं और इसके बाद हम जो है पिरामिड पे चलेंगे, ठीक है। कौन सा पिरामिड? इकोलॉजिकल पिरामिड, अगर वीडियो बड़ी नहीं हुई तो। अदरवाइज क्या है, फिर से हम एक नए लेक्चर में करेंगे ये चीज़, ठीक है, इकोलॉजिकल पिरामिड का। सो ट्रॉफिक लेवल का कॉन्सेप्ट हमने पहले ही बताया। ट्रॉफिक का मतलब फूड से होता है। और जो फूड चेन का कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए कि एक ई ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है सपोज, ठीक है। यहाँ से हम ऐसे बढ़ रहे हैं ऊपर, ठीक है। ए क्या है? प्रोड्यूसर है। ए क्या है? प्रोड्यूसर है। बी से लेके डी तक ये क्या है? कंज्यूमर्स है, या इनको हम बोल देते हैं हेटेरोट्रॉप्स। सब वर्ड पढ़ लिए हैं पहले से हमने, ठीक है, हेटेरोट्रॉप्स। और ये जो प्रोड्यूसर्स होते हैं क्या होते हैं? ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं। मीनिंग आपको पता हो गया होगा तो एग्जांपल आप फाइंड कर सकते हैं। ऑटोट्रॉप्स और इसको प्रोड्यूसर्स को प्राइमरी प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो बी जो इसके बाद जस्ट आता है, जो इसके ऊपर मतलब ए के ऊपर डिपेंडेंट है, इसको हम क्या बोल देते हैं? ये होता है प्राइमरी कंज्यूमर या सेकेंडरी प्रोड्यूसर। इसको और क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हर्बीवोर्स। क्या बोलते हैं? हर्बीवोर्स। क्लियर है? ये समझ में आ रहा है ना? तो ये वाला जो ऑर्गेनिज्म है, सबसे नीचे वाला, ये एक पोजीशन को होल्ड किया हुआ है, सबसे लोवेस्ट पोजीशन इस केस में दिख रहा है, ठीक है, होल्ड किया हुआ है, समझ रहे हैं कि नहीं। इसके बाद वाला जो ऑर्गेनिज्म है बी, ठीक है, ये एक दूसरा पोजीशन होल्ड किया हुआ है, ठीक है, इसको लाल से दिखा देते हैं, खून करने वाले हैं, मारने वाले सब, खैर ये इसको खाएगा, ठीक है। इसके बाद ये भी एक पोजीशन होल्ड किया है और ये भी एक पोजीशन होल्ड किया है, क्लियर है कि नहीं। मैं छोटा बनाता गया हूँ, रीजन क्या है, क्योंकि पॉपुलेशन और चीज़ों के बेसिस पे उनका नंबर और वो कम होता जाता है, ठीक है। अब इसको पूरे को अगर आप मिलाते हैं, बाकी चीज़ें हम थोड़ी रब कर दें, सॉरी इसको नहीं करना था, वो देखिए कहानी में, ठीक है, इसको हमने देख लिया। अब इसको क्या करिए, यहाँ से यहाँ तक ऐसे खींचिए, थोड़ा सा पिरामिडल शेप में आएगा ये, दिख रहा है ना, समझ रहे कि नहीं। ये जो गीजा का पिरामिड देखे होंगे वैसे ऐसे ही होता है ना भाई, ऐसे ही होता है। 3D में बनाएंगे तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर उसका दिखेगा, लेकिन पिरामिड ऐसे ही हो जाए। यही है पिरामिड जो कि हम आगे पढ़ेंगे। सो इसमें सब ये जो है ना, ये ट्रॉफिक लेवल्स हैं। अब ये बताइए सबसे बेस पे कौन है? प्रोड्यूसर। तो इसका ट्रॉफिक लेवल कौन हो जाएगा? फर्स्ट, ठीक है। जो ये सेकेंड पे है
सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल, ये फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, समझ रहे कि नहीं। और फूड का ट्रांसफर मतलब इधर से इधर हो रहा है, मतलब प्रोड्यूसर्स बना रहा है, बी खा रहा है, बी को सी खा रहा है और सी को डी खा रहा है, इन जनरल सिंपल फूड चेन में। और ये फूड ट्रांसफर हो रहा है ना, तो फूड के थ्रू ट्रांसफर एक्चुअली में क्या हो रहा है, एक्चुअल में क्या ट्रांसफर हो रहा है फूड के साथ। अरे फूड खाने से ही तो एनर्जी मिलती है, तो एनर्जी यहाँ से यहाँ गई, एनर्जी यहाँ से यहाँ गई, एनर्जी यहाँ से यहाँ गई, एनर्जी वापस नहीं आ रही है, एनर्जी यूनिडायरेक्शनल है, ठीक है। एनर्जी जो है यूनिडायरेक्शनल है, एनर्जी जो है रिसाइकलिंग एनर्जी की नहीं होगी, ठीक है। सो यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी दिख रहा है यहाँ पे, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, समझ रहे कि नहीं। सो किसी भी इकोसिस्टम में ट्रॉफिक लेवल जो होता है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का स्टेटस एंड पोजीशन बताता है, ठीक है, स्टेटस एंड पोजीशन बताता है। ऑर्गेनिजम्स ऑक्यूपाई अ प्लेस इन द नेचुरल सराउंडिंग्स और इन अ कम्युनिटी अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग रिलेशनशिप, ठीक है। क्या खाता है, किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, उसके बेसिस पर उसका पोजीशन जो है फिक्स होता है। लेकिन कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं, हम अभी पिरामिड में पढ़ेंगे, जिनका पोजीशन फिक्स नहीं होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम कंसीडर एक ही करते हैं। बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ देयर न्यूट्रिशन फूड ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई ए स्पेसिफिक प्लेस इन द फूड चेन, दिस इज दैट इज नोन एज देयर ट्रॉफिक लेवल। यही जो मैंने यहाँ समझाया वही यहाँ बता रहा है, लिखा हुआ है। प्रोड्यूसर्स बिलोंग टू द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सी फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। हर्बीवोर्स बिलोंग या प्राइमरी कंज्यूमर बिलोंग टू द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, सी सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, हर्बीवोर, सी कार्निवोर, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, तो इनको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ठीक है। ये प्राइमरी हो गया ना भाई, प्राइमरी कंज्यूमर्स या सेकेंडरी प्रोड्यूसर, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर, ये क्या हो जाएंगे, टर्शियरी, और इसके ऊपर टॉप भी आता है, इसको भी टॉप बोलते हैं, ठीक है। एंड टू द थर्ड, क्लियर हुआ कि नहीं, तो ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल, ये फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। आई थिंक कहानी आपको क्लियर हो गई। यहाँ पे जो डायग्राम मैंने ऐसे बनाया है एनसीईआरटी में, आपको एग्जांपल के साथ ये समझाया है, हालांकि एग्जांपल के साथ मैंने पहले ही बता दिया आपको, लेकिन फिर भी देख लीजिए क्या है। देखिए पहले ट्रॉफिक लेवल पे कौन आ रहा है, प्रोड्यूसर्स, ये देखिए प्लांट्स इसमें है, एग्जांपल फाइटोप्लैंकटन, ठीक है, ग्रासेस एंड ट्रीज हो गए। प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंड पे आ रहा है, इसको हर्बीवोर भी बोल रहे हैं, ठीक है। इसमें कौन है, जू प्लैंकटन है, ग्रास ऊपर है, काऊ मतलब ये क्या होते हैं, हर्बीवोर होते हैं, इनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर आ गया, ये प्राइमरी कंज्यूमर है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर, ये प्रोड्यूसर है, ठीक है। इसको ये थर्ड लेवल पे आ रहा है, इसको कार्निवोर बोलते हैं, इसमें क्या होगी, बर्ड्स हो गई, फिशेस होंगे, वुल्फ होंगे। टर्शियरी कंज्यूमर कौन है, सबसे टॉप लेवल पे है, तो इनको टॉप कार्निवोर भी बोलते हैं। इस पे देखिए मैन भी है और लायन भी है, टाइगर भी इसी लेवल पे आते हैं सब, ठीक है। और ये कौन सा लेवल है, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, क्लियर हुआ एग्जाम्पल के साथ। एनर्जी किधर से किधर जा रही है, अपवर्ड फ्लो है, ये देखिए अपवर्ड फ्लो। तो एनर्जी का जो पिरामिड बाद में देखेंगे बनेगा, तो हमेशा हमेशा अपराइट ही बनेगा, क्या बनेगा, अपराइट। अपराइट हम कैसे कंसीडर करते हैं, प्रोड्यूसर्स के बेसिस पे। प्रोड्यूसर्स अगर सबसे बॉटम पे है और जो टर्शियरी कंज्यूमर है टॉप पे है, तो ये नॉर्मली अपराइट पिरामिड होता है, ठीक है, क्लियर है कि नहीं। और नेचर में जो एनर्जी पिरामिड होगा ये हमेशा अपराइट होगा, ऑलवेज अपराइट। इतनी चीजें क्लियर हुई, ओके आगे चलते हैं। द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट दैट, द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट दैट, दैट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीजेज एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। जब यहाँ से ऊपर जा रहे हैं हम, आपको देख रहे हैं ना, टिप बना रहे हैं, टिप मतलब पॉइंटेड टिप आपको दिख रहा है। स्ट्रक्चर अगर हम बना रहे हैं तो पॉइंटेड टिप दिख रहा था, मतलब कैसे, ऐसे ऐसे मैंने बनाया ना। नीचे सबसे क्या था, पहला लेवल, ये दूसरा लेवल, ये तीसरा लेवल, और ये कौन सा, चौथा। यहाँ कौन है, यहाँ कौन है, यहाँ पे प्रोड्यूसर है, ठीक है। और यहाँ कौन है, हर्बीवोर है। यहाँ कौन है, कार्निवोर। यहाँ पे ये भी कार्निवोर लेकिन टॉप कंज्यूमर है ये, ठीक है। सो यहाँ से एनर्जी इधर ट्रांसफ़र हुई, यहाँ से एनर्जी इधर ट्रांसफ़र हुई, यहाँ से एनर्जी इधर ट्रांसफ़र हुई, क्लियर है कि नहीं। सो आप सोचेंगे भाई ये तो चलता जाएगा, चलता जाएगा, ऐसे इनफाइनाइट तक चलता जाएगा, ऐसा होगा क्या? ऐसा होगा तो फिर फूड चेन में तो पता चला कि 50 ऑर्गेनिज्म लाइन से हैं, 100 ऑर्गेनिज्म, 1000, 2000, कितने भी ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं एक फूड चेन में। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है,
क्योंकि इस लेवल से इस लेवल तक जाने में ना, हर लेवल पे क्या होता है, एनर्जी जो है थोड़ी सी रिड्यूस होती है। एनर्जी किस फॉर्म में रिड्यूस होती है भाई, ये ऑर्गेनिज्म जो है रेस्पिरेशन भी तो करेगा, ठीक है, एक तो यहाँ पे रिडक्शन होगा और दूसरा क्या होगा, अरे हीट लॉस भी तो होगा नेचर में। तो जितना लेवल ऊपर बढ़ता जाएगा उतना ही एनर्जी जो है रिड्यूस होती जाएगी, समझ रहे हैं। तो इसलिए बॉटम सबसे चौड़ा होगा और जो एंड आएगा वो टेपर्ड रहेगा, क्लियर है। और यही रीजन है क्योंकि एनर्जी हमेशा रिड्यूस होती जा रही है, तो इसके पास इतनी एनर्जी नहीं बचेगी कि आगे किसी को ट्रांसफर हो पाए। और अगर मान लीजिए एक दो तीन और भी हो गया, तो मैक्सिमम अभी तक देखा गया है किसी इकोसिस्टम में कि 8 या 9 तक नॉर्मली हो सकता है, और ये भी बहुत बहुत कम इकोसिस्टम में ऐसा देखा गया है। इन जनरल 3 से 4 या कह लीजिए 4 से 5 लेवल तक, जो ट्रॉफिक लेवल है ना, ठीक है, चीजें जाती हैं, बस आपको इतना ही लेवल देखने को मिलता है। रीजन क्या है उसका, यही है कि मतलब हर सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी जो होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी वो रिड्यूस होता जा रहा है। कहने का मतलब है, अगर मान लीजिए बॉटम पे 1000 किलो कैलोरी है, सपोज 1000 किलो कैलोरी, ठीक है, तो यहाँ पे जाएगा ना तो 1000 से केवल और केवल 10% ट्रांसफर होता है एक्चुअली में। केवल कितना ट्रांसफर होता है, केवल 10% ट्रांसफर होता है। 10% खाली निगेट मत कर दीजिएगा, केवल और केवल 10% ट्रांसफर होता है। तो 10% इसका कितना होगा, अरे 1000 का 10% कितना होगा भाई, बताइए, आपको यही नहीं पता चल रहा है 1000 का 10% कितना होगा, कैसे निकालेंगे, अरे 100 होगा ना भाई, गड्ढा में 100, 100 का 10% कितना होगा 10, 10 का 10% कितना होगा 1, देख रहे हैं ना, 1000 से 100 हो गया, 100 से 10 हो गया, 10 से 1 हो गया, अब 1 के बाद कितना आएगा, 0.1 आएगा, इसके बाद 0.01। सोचिए एनर्जी बची नहीं रही है, एनर्जी बच नहीं रहा है, तो उस वो किसको ट्रांसफर होगा, मतलब कौन उसके ऊपर फीड करके इतनी एनर्जी से आगे चेन बनाएगा, तो चेन ही नहीं बनेगा। तो चेन की लेंथ जो होती है ना, चेन की लेंथ क्या होती है, रुक जाती है। तो चेन की लेंथ मैक्सिमम या इन जनरल मैक्सिमम इकोसिस्टम में हमको कितनी देखने को मिलती है, कितनी देखने को मिलती है भाई, 4 से 5, ठीक है, यही एवरेज है। किसी किसी में 8-10 तक पहुंच सकती है, वो भी बहुत एक आध ऐसे इकोसिस्टम देखने को मिले हैं किसी जगह पे, जहां पे मतलब ऐसा है कि चेन थोड़ी लंबी हो जाती है। तो दिस इज वन मेजर जंक्चर। ओके, व्हेन एनी ऑर्गेनिज्म डाइज, इट इज कन्वर्टेड टू डेटिटस और डेड बायोमास दैट सर्व्स एज एन एनर्जी सोर्स फॉर डीकम्पोजर। ये भी क्लियर हो गया कि डीकम्पोजर के लिए एनर्जी सोर्स क्या होता है, जो भी डेड डिकेइंग मटेरियल होता है, ठीक है, सेप्रोट्रॉप्स होते हैं, सेप्रोट्रॉप्स तो ये उसी पर फीड ही करते हैं। तो जैसे ही कुछ मरा मरा वरा रहेगा तो उस पर ये सब फीड करना शुरू कर देंगे। ऑर्गेनिजम्स एट ईच ट्रॉफिक लेवल डिपेंड ऑन दोज एट लोअर ट्रॉफिक लेवल फॉर देयर एनर्जी डिमांड। अभी हमने बताया कि नीचे से ऊपर जा रहा है ना, तो ऑब्वियस सी बात है जो यहाँ पे है और जो यहाँ पे है, तो ये हमेशा इसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, और बी के ऊपर कौन डिपेंडेंट रहेगा, सी, और सी के ऊपर डी, क्लियर है, यही बोल रहा है। ईच ट्रॉफिक लेवल हैज अ सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल, ऑब्वियस सी बात है, हर ट्रॉफिक लेवल पे कौन बैठा है भाई, कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म ही है ना, यहाँ पे कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म ही है, तो ऑर्गेनिज्म है तो उसका कोई ना कोई मास होगा ना। अरे भाई आपका 50 किलोग्राम है वेट, तो कुछ मास है ना, तो वो बायोमास है, हर लेवल पे कुछ ना कुछ बायोमास है। इसको क्या बोलते हैं, जो लिविंग लिविंग बायोमास है लिविंग, इसको बोलते हैं स्टैंडिंग क्रॉप, ठीक है, स्टैंडिंग क्रॉप। द स्टैंडिंग क्रॉप इज मेजर्ड एज अ मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, समझ रहे हैं ना, क्लियर हुआ। इसी बायोमास को, जो लाइव यहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनका अगर बायोमास निकालेंगे तो उसी को उस पर्टिकुलर टाइम पे उस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप, क्लियर है। ओके, द बायोमास ऑफ अ स्पीसीज इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द फ्रेश और ड्राई वेट, ये हमने बता दिया था कि फ्रेश वेट और ड्राई वेट दोनों कंसिडर करते हैं, लेकिन ड्राई वेट जो होता है वो ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट होता है बायोमास का। क्यों, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वाटर का कंटेंट जो होता है वो स्पीसीज टू स्पीसीज, प्लांट टू प्लांट क्या होगा, फ्लक्चुएट करता है, तो हम हमेशा ड्राई वेट को कंसिडर करते हैं बेस्ट मेजरमेंट के लिए। तो यहाँ क्वेश्चन भी है, मेजरमेंट ऑफ बायोमास इन टर्म्स ऑफ ड्राई वेट इज मोर एक्यूरेट, क्यों, अभी बता दिया क्यों, क्लियर हो गया कि नहीं, पहले ही बताया था अभी फिर से बता दिया। तो यहाँ पे जो इसके पहले जस्ट हमने ऊपर एक कॉन्सेप्ट बताया था
हर ट्रॉफिक लेवल पे जब एनर्जी ट्रांसफर होती है तो ओनली 10% ट्रांसफर होती है यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से। यहाँ पे अगर 1000 है जैसे हमने बताया तो यहाँ कितना पहुँचेगा, 10 पहुँचेगा, 10 की 100 100 ठीक है। और यहाँ पे कितना पहुँचेगा, 10 पहुँचेगा, यहाँ पे एक, यहाँ पे 0.1 और इसके ऊपर अगर जाता तो 0.01, केवल 10% ट्रांसफर हो रहा है। तो ये एक्चुअली में एवरेज वैल्यू है, ऐसा नहीं कि सारे इकोसिस्टम में केवल 10% ट्रांसफर हो रहा है, किसी इकोसिस्टम में 15 भी हो सकता है, किसी में 20 भी होता है, लेकिन ये कम देखने को मिला है। अराउंड अप्रॉक्स जो होता है 10% एनर्जी जो है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफर होती है लगभग लगभग सारे इकोसिस्टम में। तो इसकी स्टडी करने वाले एक जो इकोलॉजिस्ट थे उनका नाम क्या है, उनका नाम क्या है, रेमंड लिंडमान, लिंडमान। इन्होंने ये स्टडी 1942 वर्ल्ड वार टू के टाइम पे दिया था कि ऐसा होता है, और इसी वजह से जो ट्रॉफिक स्ट्रक्चर या ट्रॉफिक लेवल है, ट्रॉफिक लेवल्स ठीक है, वो लिमिटेड है। क्या है, लिमिटेड। जैसे रिसोर्सेस नेचर में अनलिमिटेड होते हैं, लिमिटेड होते हैं ना, वैसे ही ट्रॉफिक लेवल भी लिमिटेड हो जाता है। क्यों, क्योंकि एनर्जी जो है ना हर लेवल पे रिड्यूस होती जाती है, किससे, 10% से, ठीक है। बस यही कहानी है इसकी। क्या, द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स इन द ग्रेजिंग फूड चेन GFC इज रेस्ट्रिक्टेड एज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्लोज 10% लॉ, मतलब फॉलोज 10% लॉ। इसमें क्या होता है, ओनली 10% ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, ही ध्यान रखिएगा, केवल 10% ट्रांसफर होती है। मत सोच लीजिएगा कि 10% केवल लूज होती है, 90% ट्रांसफर होती है, उल्टा मत सोच लीजिएगा। 10% केवल ट्रांसफर होता है, ओनली 10%, ये 10% ट्रांसफर हो रहा है, 10% ट्रांसफर हो रहा है, 10% ट्रांसफर हो रहा है, समझ रहे हैं कि नहीं, टू ईच ट्रॉफिक लेवल फ्रॉम द लोअर ट्रॉफिक लेवल। इन नेचर इट इज पॉसिबल टू हैव सो मेनी लेवल्स, जैसे प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोर, प्राइमरी कार्निवोर, सेकेंडरी कार्निवोर्स, ग्रेजिंग फूड चेन में होता है, ऑब्वियस सी बात है। अभी बताइए कि सेम टाइप का लिमिटेशन आपको डेट्रिटस फूड चेन में देखने को मिलेगा, ये तो GFC की बात कर दिया, डीकम्पोजर के केस में ऐसा हो सकता है क्या, ऑफ कोर्स हो सकता है, इसमें कोई डाउट है क्या। अरे डीकम्पोजर्स जो होते हैं, डीकम्पोजर्स भाई वो भी ऑर्गेनिज्म ही है, बैक्टीरिया एंड फंजाई मेनली, ये भी ऑर्गेनिज्म ही है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये भी अगर किसी मटेरियल को यूटिलाइज करते हैं और इनको कोई खाएगा तो सारा एनर्जी, ये भी हीट के फॉर्म में एनर्जी तो निकलेगी ना, ऐसा थोड़ी कि नहीं निकलेगी, दे आल्सो रिस्पायर, क्लियर है। और इनके ऊपर तो और भी बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, जैसे क्लाइमेटिक फैक्टर हो गया, ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर हो गया, आर्टिफिशियली हम चीज़ों को चेंज कर देते हैं, समझ रहे कि नहीं, बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं इनको जो इनके कंपोजर। और दूसरा कॉम्प्लेक्सिटी, इतना कॉम्प्लेक्स है या इतने ढेर सारे टाइप के ये होते हैं कि अगर उसमें से कौन कौन किसके किसको सपोर्ट कर रहा है, किसके ऊपर कौन डिपेंडेंट है, ये आपको कम्प्लीटली नहीं पता है, तो ऑब्वियस सी बात है लिमिटेशन वहाँ पे भी होती है। ऐसा नहीं कि डेट्रिटस फूड चेन कंटिन्यूसली बहुत लंबा होता जाएगा, नो, और एनर्जी का आस्पेक्ट वहाँ पर भी आता है, ठीक है, तो लिमिटेशन है वहाँ पर भी। और भी आप पढ़िएगा इसके बारे में थोड़ा, ये आपको एक दिखाया है बेसिक सा इकोसिस्टम जिसमें एनर्जी फ्लो हो रही है, ठीक है, सनलाइट है एनर्जी का सोर्स ये, ठीक है, अल्टीमेट कहते हैं ना, अल्टीमेट एनर्जी का सोर्स, अल्टीमेट एनर्जी सोर्स किसमें, बायोस्फीयर में, कहाँ, यहाँ से एनर्जी कहाँ आई, पौधों में, इसमें कौन सा होगा, पार होगा, पार कितनी वैल्यू होती है, लेस देन 50% ऑफ टोटल इंसिडेंट रेडिएशन TIR का, ठीक है। इसमें से भी प्लांट कितना लेता है, 2 से 10%, कितना, किसका, पार का, यही है ना, ठीक है, सब याद करिए भाई, पहले पढ़ चुके हैं, भूलिए मत। और जब इसमें ट्रांसफर हो रहा है तो हीट तो निकलती है, आजकल की गर्मी देखिए हीट ही हीट है निकल रहा है, यहाँ पहुँच गया तो ये कौन सा लेवल है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल प्रोड्यूसर्स का है, ठीक है। यहाँ से मान लीजिए मरा पौधा, तो ये देखिए डेट्रिटस जा रहा है ना, ठीक है, या हर्बीवोर मान लीजिए, कीड़ा मकोड़ा है, हर्बीवोर है, इंसेक्ट है, ठीक है, अभी डेट्रिटस हम नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, हर्बीवोर मान लीजिए, तो यहाँ से ट्रांसफर होगा तो यहाँ पर भी हीट तब भी निकलता है, हीट हमेशा निकलेगा, हीट और रेस्पिरेटरी लॉस HNR, ये लॉस हमेशा होगा, हर स्टेप पे होगा, ठीक है, यहाँ से हीट निकला, ओके। अब ये क्या है, ये हर्बीवोर है,
सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल। यहाँ से आगे ये देखिए बर्ड आ गई, ठीक है, ये कॉर्निवोर है कम्प्लीटली, ये इंसेक्ट को खाएगी, यहाँ पर भी हीट रिलीज हो रहा है, ठीक है। देखिए हर स्टेप पे हीट दिखाया है इसने, और चिड़िया को खाने के लिए यहाँ पे देखिए ईगल बैठा हुआ है, गिद्ध महाराज जी बैठे हुए हैं, ठीक है, गोदावन, ठीक है, राजस्थान में गिद्ध को क्या बोलते हैं, गोदावन। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एक्चुअली में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है, जो कि इंडेंजर्ड है, टोटल हमारे कंट्री में 150 से नीचे आ गया है इनका पॉपुलेशन, क्लियर है। द फोर्थ ट्रॉफिक लेवल या टर्सरी या टॉप कंज्यूमर, तो ये एक एस्पेक्ट दिख गया आपको। दूसरा एस्पेक्ट में अगर ये डेट्रीवोर्स साइकिल में जाते हैं सपोज, तो डेट्रीवोर्स साइकिल में देखिए ये आपके पड़े हुए हैं नीचे, तो यहाँ से ये मरेगा आफ्टर डेथ, नीचे आएगा ना, तो हीट यहाँ से भी रिलीज होगी और ये कुछ खाएंगे, समझ रहे हैं कि नहीं, ये सारे, ये भी मरेगा तो इधर जाएगा, ये भी मरेगी तो इधर जाएगी, ये भी अगर मरेगा तो इधर आएगा, तो अल्टीमेटली सबको ये जो डीएफसी है ना, ये लिंक कर रहा है, और इसको भी खाने वाले ये है, बर्ड खा सकती है ना इसको, भाई यहाँ पे केचुआ घूम रहा होगा उसको खा लेगी ना, जो दिख जाएंगे इंसेक्ट वो उसको खा लेगी, तो क्लियर है कि नहीं। ये कहानी एनर्जी कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो रही है, दिस इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ओनली, क्या है ये एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है केवल, ठीक है। गिद्ध तक गया और अल्टीमेटली सारी एनर्जी कहाँ ट्रांसफर हुई, सारी एनर्जी जो है डीकम्पोजर को ट्रांसफर हो गई किसी न किसी तरीके से, ठीक है, और यहाँ से इन्होंने एनर्जी लिया और यहाँ से रिलीज क्या किया, न्यूट्रिएंट या मिनरल को, मिनरल और न्यूट्रिएंट को रिलीज कर दिया, कहानी खत्म, ठीक है। और इसी मिनरल और न्यूट्रिएंट को फिर से प्लांट जो है, नया प्लांट, ठीक है, न्यू प्लांट जो है, या जो भी प्लांट ग्रोइंग प्लांट है, ग्रोइंग न्यू प्लांट अपटेक करेगा और इसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। पूरी कहानी समझ में आई एनर्जी फ्लो की। सो दूसरा लेक्चर एनर्जी फ्लो के ऊपर हमने ये बता दिया, बेहतर है, ठीक है, ट्रॉफिक लेवल और चीज़ों को हमने इसमें समझा, इसको उसके कंटिन्यूएशन में देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी पिक्चर। एनर्जी पिरामिड का कॉन्सेप्ट अभी मैंने कुछ कुछ समझा दिया है, लेकिन ये पिरामिड जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स है, इसके कॉन्सेप्ट को अगले ही लेक्चर में अकेले करें तो बेहतर होगा, ठीक है। तो एनर्जी फ्लो का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ध्यान रखिएगा एनर्जी फ्लो हमेशा यूनि डायरेक्शनल होता है, यहाँ कहीं पे भी आपको साइकिलिंग नहीं दिखी है, दिखी है क्या साइकिलिंग, एनर्जी की साइकिलिंग कहीं नहीं दिखी है, आपको डाउट नहीं आना चाहिए, अगर आ जाए तो फिर उस डाउट को ना बस्ट कर दीजिएगा, ठीक है, जैसे बायोब्लास्ट है ना, तो ब्लास्ट कर दीजिएगा कि भैया डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी लेवल पे आपको एनर्जी जो है ना, इधर से बस देखिए ट्रांसफर हो रही है, यहाँ से इधर सीधा सीधा आ गई, समझ रहे नहीं, और इधर से सीधा आ गई इधर, इधर से सीधा इधर आ गई, इधर से सीधा इधर आ गई, इधर से सीधा इधर आ गई, कहीं पे रिसाइकलिंग नहीं हो रही, मतलब वापस बैक या ऐसे पूरा वापस सनलाइट अपनी एनर्जी वापस थोड़ी ले लेगा, क्लियर है, ओके। सो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, अगले लेक्चर में मैं इकोलॉजिकल पिरामिड समझाऊंगा, इसमें एक दो लेक्चर और होंगे, पूरी कहानी खत्म हो जाएगी, इकोलॉजिकल पिरामिड हो जाएगा और अच्छा लास्ट ही है, तो एक लेक्चर और इसमें इकोलॉजिकल पिरामिड। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, ठीक है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, और इतने आराम से चीज़ें हो रही हैं तो ध्यान रखिए थोड़ा, ओके, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।